और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, काफी दिनों से हमें इसकी सजेशन मिल रही थी, लेकिन बीच में क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट देख रहे थे तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिल रहा था। बट आज हम लोग ये आपके साथ देखने जा रहे हैं, बट अगेन इन टू पार्ट्स, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। और टाइटल क्या है वो बताएंगे मौसम। टाइटल है द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक, बिगेस्ट बिट्रेयल ऑफ 20th सेंचुरी फुल फिल्म पार्ट 1। ओके, देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्पेशल थैंक्स संजय दीक्षित, नीरज अश्वनी। सभ्यताओं के प्रतीकों को रेगिस्तान बनाने का प्रयास सदियों से रहा है। स्वास्तिक पूरी दुनिया में शांति को प्रतीक है। परंतु जीवित सभ्यताएं तो रेगिस्तानों को चीर कर अपना परिचय दे देती हैं। जुलाई 2020, यूएस में ब्रंडाइस यूनिवर्सिटी की छात्र संघ प्रमुख सिमरन स्वास्तिक को शांति का चिन्ह बताती हैं और स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव देती हैं। इसका भारी विरोध किया जाता है और सिमरन को क्षमा मांगनी पड़ती है। Several students were offended by the swastika. सिमरन के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं था और ना ही शायद आखिरी। अप्रैल 2015 में यूएस का जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय स्वास्तिक को प्रतिबंधित करने का निर्णय लेता है। बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस स्टेट ऑफ मैरीलैंड सीकिंग अ बैन ऑन द स्वास्तिका। कारण वही होता है, स्वास्तिक से घृणा। ये एक ऐसी घृणा है जो हिंदू संप्रदाय को बार बार झेलना पड़ता है। अप्रैल 2021 में यूएस के एक राज्य में स्वास्तिक पर प्रतिबंध के लिए विधान लागू करने की मुहिम चलती है। हिंदू संस्थाएं सड़क पर उतरकर विरोध करती हैं। How can swastika be banned for crimes which did not happen due to swastika? Very happy to inform that this bill will no longer be moving forward. So Maryland is also settled. पूरी पश्चिमी दुनिया स्वास्तिक को दैत्यकार चिन्ह के रूप में घृणा से देखती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मीडिया कवरेज है। Calling it a symbol of hate, just tonight a symbol of hate, one of the most controversial symbols imaginable. It's the latest example of hate symbols in the Sun City. आखिर क्यों पश्चिमी मीडिया के लिए स्वास्तिक पिशाच का रूप है? क्योंकि हिटलर ने इस चिन्ह के नीचे लगभग 60 लाख यहूदियों को रेत की सतह के नीचे गाड़ दिया। परंतु क्या यह स्वास्तिक है या कुछ और? हिटलर ने अपने रिकॉर्डेड जीवन में स्वास्तिक शब्द का कहीं प्रयोग किया ही नहीं। क्या हिटलर स्वास्तिक के बारे में जानता था? यदि नहीं तो क्या है ये जो 60 लाख यहूदियों को लील गया? कौन है वो लोग जिन्होंने शांति के चिन्ह को शैतान का प्रतीक बना दिया? षड्यंत्रों की दुनिया में इतिहास षड्यंत्रकारी बनाता है। कमर कस लीजिए क्योंकि तूफान आने वाला है। हिटलर मनुष्य की खाल और पिशाच का मस्तिष्क धारण किए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समय, इतिहास और भूलोक को पलट कर रख दिया, जिसने 1933 से लेकर अपनी मृत्यु तक जर्मनी पर एक छत्र राज किया, एक ऐसे चिन्ह के नीचे जिसे आज विश्व में स्वास्तिक कहा जाता है। क्या हिटलर के ऊपर भारत या हिंदू परंपरा का इतना प्रभाव था कि उसने स्वास्तिक को अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन का प्रतीक बना लिया? इसका परिचय लेने के लिए झांकना पड़ेगा हिटलर के दिए गए भाषणों और किए गए कार्यों में। हिटलर अ क्रोनोलॉजी ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम, ये पुस्तक विनाश की ओर पग बढ़ाने वाले उन सारे भाषणों और वक्तव्यों को अपने गर्भ में समाये है जो हिटलर ने दिए या लिखे। हमें बस अल्ट्रासाउंड करना है और इस अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर होने की नहीं,
बस एक सीधे मस्तिष्क की आवश्यकता है। '21 मई 1930 हिटलर जर्मनी के एक राजनेता ऑटो स्ट्रेसर को क्रोधित होकर उत्तर देता है कि संसार में सिर्फ एक ही प्रकार की क्रांति हो सकती है, रेशियल यानी जातीय नस्ल की क्रांति। तुम्हें नस्लों का परिचय नहीं है, तुमने सार्वजनिक रूप से भारत के स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन किया, ये ज्ञात होते हुए कि आंदोलन भारत की नीची हिंदू नस्ल कर रही है, ऊंची एंग्लो नॉर्डिक नस्ल के विरुद्ध। आगे हिटलर कहता है कि नॉर्डिक नस्ल को संपूर्ण भूलोक पर शासन का अधिकार है और यही हमारी विदेश नीति रहेगी। 4 दिसंबर 1931 हिटलर एक प्रेस वार्ता में इंग्लैंड से मित्रता की पैरवी करते हुए कहता है कि यदि भारत ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो जाता है तो ये जर्मनी समेत संपूर्ण संसार के लिए बुरी सूचना होगी। 26 जनवरी 1932 हिटलर एक उद्योग संघ में जर्मनी के सबसे बाहुबली उद्योगपतियों के सामने व्हाइट रेस यानी सफेद नस्ल के श्रेष्ठ होने की घोषणा करते हुए कहता है कि ब्रिटिश राज ने भारत को न्याय और नियम से बंदी नहीं बनाया, बल्कि सर्वाधिक क्रूर कुचक्रों से उन्हें रौंदकर उन पर शासन किया, जिसका आधार था ब्रिटिश लोगों की नस्ल का भारतीयों से ऊंचा होना। 27 जुलाई 1941 को हिटलर पूर्वी दिशा के क्षेत्रों को रौंदने का मत रखते हुए कहता है कि 2.5 लाख सैनिकों से इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता है, हमें ब्रिटेन से सीखना चाहिए जिन्होंने 50,000 सैनिकों से 40 करोड़ भारतीयों पर बांध बनाया हुआ है। अगस्त 1941 को एक भाषण में हिटलर रूस को जर्मनी के लिए वैसा ही बनाने की बात करता है जैसा भारत ब्रिटिश राज के लिए था। 17-18 सितंबर को पुनः एक बार बातचीत में कहता है कि यदि आज ब्रिटिश शासन भारत को छोड़ता है तो भारत कुछ ही समय में ढह जाएगा। 22 अगस्त 1942 को हिटलर एक सायंकालीन बातचीत में कहता है कि वो अभी भी यही चाहेगा कि ब्रिटेन भारत पर शासन करे। भारत की पराधीनता को विधि का न्याय कहने वाला, हिंदुओं को नीची नस्ल कहने वाला और ब्रिटेन के जाते ही भारत ढह जाएगा ये कहने वाला हिटलर क्या भारत से जुड़े स्वास्तिक को अपने पूरे राजनीतिक जीवन का आधार बना सकता था? क्या यह संभव है? यदि नहीं तो सत्य क्या है? धरती के नीचे पानी तो बहुत है पर तीर चलाए बिना फूटता नहीं है, खुदाई तो करनी ही पड़ेगी। विश्व के लिए स्वास्तिक है हिटलर के अपराधों का प्रतीक, परंतु स्वयं हिटलर के लिए क्या था ये जानने के लिए झांकना पड़ेगा हिटलर की पुस्तक मेन कैंप्फ में, जिसके अक्षर हिटलर ने स्वयं बंदी गृह के काले कपाटों के पीछे लिखे थे। अपनी पुस्तक में हिटलर ने जो शब्द लिखा है वो है हेकन क्रॉइस, करीब 8 बार इस शब्द का प्रयोग है। जब इसका अनुवाद गूगल पर करते हैं तो स्वास्तिक आता है, परंतु जब हेकन और क्रॉइस को पृथक कर लिखते हैं तो अनुवाद होता है हुक्ड क्रॉस में। यही नहीं, नाजी जर्मनी अपने सैनिकों को जो तमगे देती थी सभी नाम क्रॉइस शब्द से अंत होते हैं, यदि गूगल पर अनुवाद करें तो क्रॉस आता है। उदाहरण के लिए रिटर क्रॉइस बनता है नाइट्स क्रॉस, बैलकान क्रॉइस बनता है बीम्स क्रॉस, केवल हेकन क्रॉइस का अनुवाद स्वास्तिक। ऐसा क्यों? क्रॉस यानी ईसाइयत का चिन्ह, हेकन क्रॉइस यानी हुक्ड क्रॉस, तो ये स्वास्तिक कब कब में बन गया? इसका उत्तर केवल एक शब्द का है, क्योंकि वो केवल एक नाम है, परंतु इसके पीछे खड़ी आत्मा से यदि परिचय करना है तो 2000 साल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जिसके पार मानव खाल ओढ़े 60 लाख यहूदियों को कफन उड़ा दिया गया, और इस चढ़ाई के बाद आपको इतिहास का सबसे क्रूर छल दिखेगा।
नाजी जर्मनी एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो इस चिन्ह का प्रयोग कर रहा था। फिनलैंड की वायुसेना 1918 से 2020 तक इसी चिन्ह का प्रयोग करती रही। वहां इसे हाकारिस्ती बोला जाता है, जिसका जर्मन में अनुवाद करने पर आता है हेकन क्रॉस। इसी प्रकार 1939 में बने ब्रिटेन के कंट्री काउंसिल हेडक्वार्टर में यूएस आर्मी की 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन की वर्दी पर, फ्रांस की एयरफोर्स यूनिट N-124 के एयरप्लेन्स पर, या रूस में 1917 के बाद छापे गए रूबल पर यह चिन्ह संपूर्ण पश्चिम स्वास्तिक जैसे दिखने वाले इन प्रतीकों से भरा पड़ा था। यूएसए में स्थित वेस्टफील्ड हाई स्कूल की 1913 की वार्षिक पुस्तक, ऊपर स्वास्तिक जैसा दिखने वाला चिन्ह और नीचे लिखा है कैमेडियन। यह शब्द अपने भीतर एक ऐसा इतिहास छुपाए है जिस पर बिछी धूल शताब्दियों से पहुंची ही नहीं गई। कैमेडियन आधुनिक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक क्रॉस है जो स्वास्तिक जैसा दिखता है, परंतु यदि 1877 में प्रकाशित हुई ग्लॉसरी ऑफ लिटर्जिकल एंड एक्लेसियास्टिकल टर्म्स के अनुसार इसे देखें तो ये मात्र एक क्रॉस है जो प्रारंभ से ही चर्चेज में मिलता रहा है। कहीं हेकन क्रॉस, कहीं गैमेडियन, कहीं हाकारिस्ती, सबका अभिप्राय एक प्रकार का क्रॉस। परंतु क्या कभी स्वास्तिक को भी क्रॉस की तरह प्रयोग किया गया? इसका उत्तर आपको इतिहास के उस पन्ने की ओर ले जाएगा जिससे प्रेरित होकर भविष्य में हिटलर 60 लाख यहूदियों की हत्या से मानव मात्र को सन्न कर देता है। जर्मनी के एक आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक श्लाइमन 1868 में ग्रीस में यात्रा करते हैं अपने मस्तिष्क में एक लक्ष्य लिए, पुरातन ट्रॉय नाम के नगर को ढूंढना। 1871 में श्लाइमन को प्राचीन ट्रॉय के अवशेष मिलते हैं जिन पर स्वास्तिक जैसा दिखने वाला ये चिन्ह होता है। हेनरिक श्लाइमन ये अवशेष और ये चिन्ह तुरंत चर्चा का विषय बन जाते हैं। 1885 में हेनरिक श्लाइमन की पुस्तक इलियोस प्रकाशित होती है फ्रेंच भाषा में। उसमें वो इस चिन्ह के लिए स्वास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु स्वास्तिक से उनका अभिप्राय क्या था? पुस्तक में लिखे गए फ्रेंच शब्दों का सीधा सीधा अंग्रेजी अनुवाद दिखाता है कि श्लाइमन के मस्तिष्क में ये चिन्ह एक प्रकार का क्रॉस था जिसके लिए स्वास्तिक नाम प्रयोग में लाया गया। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब 1891 में इसी किताब के ट्रांसलेटेड संस्करण को मूल पुस्तक के साथ रखकर ये शब्द पढ़े जाते हैं। स्पष्ट लिखा है कि खुदाई में मिला यह चिन्ह एक क्रॉस है। श्लीमान की पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण 1891 में प्रकाशित हुआ था जिसमें उसने इस चिन्ह के लिए स्वस्तिक और हुक्ड क्रॉस का प्रयोग किया है चार अलग अलग स्थानों पर। परंतु स्वास्तिक शब्द के प्रयोग का विरोध किया गया था। श्लाइमन ने अपनी पुस्तक इलियोस में बताया है कि कैसे उनके दोस्त और विद्वान मैक्स म्यूलर स्वास्तिक शब्द के प्रयोग से क्रोधित थे। अपना विरोध दिखाने के लिए मैक्स मिलर ने कहा था, भारत से बाहर स्वास्तिक शब्द का प्रयोग मुझे पसंद नहीं, ये भारतीय शब्द है और भारत के इतिहास में इसका प्रभावी अभिप्राय है। इस प्रकार के क्रॉस विश्व में कई स्थानों पर मिलते हैं जिनका उद्गम संभवतः एक हो या नहीं, परंतु यदि इन क्रॉसेस को स्वास्तिक कहा जाने लगा तो आम जनमानस एक क्षण में मान लेगा कि इस क्रॉस की उत्पत्ति भारत में हुई है और इस पूर्वाग्रह को समाप्त करने में बहुत समय लगेगा। 1894 में एक समय पलट देने वाली पुस्तक लिखी जाती है, द माइग्रेशन ऑफ सिंबल्स। इसके अध्याय 2 में लेखक लिखते हैं कि डॉक्टर श्लाइमन को ट्रॉय की खुदाई में गैमेडियन मिले थे और गैमेडियन शब्द का अभिप्राय इस पुस्तक में वो बताते हैं एक प्रकार का क्रिश्चियन क्रॉस। यहाँ स्वास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। आगे इसी पुस्तक में लिखा गया कि हिंदू नव वर्ष पर अपने बही खातों पर गैमेडियन यानी एक प्रकार का क्रॉस बनाते हैं, स्वास्तिक नहीं। क्या पश्चिम स्वास्तिक को भी एक प्रकार का क्रॉस समझता था? 1907 के कुछ पोस्टकार्ड्स हों या 1910 के कुछ अमेरिकन स्टॉक प्रमाण पत्र, ये प्रमाणित करते हैं कि स्वास्तिक को भी एक प्रकार का क्रॉस ही कहा जा रहा था।
भारतीय स्वास्तिक को हिटलर का हेकन क्रॉइफ बनाया गया, जिसका संबंध सूर्य की दूरी तक भी भारत से नहीं था। परंतु ऐसा क्यों और कैसे किया गया, इसका उत्तर माथे की नसों को पसीना छोड़ने पर विवश कर देगा। एक ऐसा विश्वासघात जिसे देखने के लिए झांकना पड़ेगा कि हिटलर के बचपन में चली आंधियां किस प्रकार की। अपनी पुस्तक मे कैंफ में हिटलर लैम्बेक कस्बे में अपने बचपन के आनंद से भरे हुए धार्मिक क्षणों को याद करते हुए बताता है कि किस प्रकार वो खाली समय में चर्च के प्रांगण में गायकी की शिक्षा लेता था और ऐसा करके वो चर्च के स्तब्ध कर देने वाले उत्सवों में पूरी तरह डूब जाता था। किस प्रकार मोनेस्ट्री का अध्यक्ष हिटलर के लिए वैसा ही था जैसा हिटलर के पिता के लिए गांव का प्रीस्ट यानी एक आदर्श, और किस प्रकार वो स्वयं इस मोनेस्ट्री का प्रीस्ट बनना चाहता था। इसी बात की तरफ संकेत करते हुए हिटलर का एक पुराना मित्र भी बताता है कि किस कदर हिटलर एक प्रीस्ट बनना चाहता था और वो कैसे रसोई के एप्रन को ओढ़कर उपदेश देता था। अपनी पुस्तक में हिटलर ने जिस स्थान की बात की वो लैम्बेक एबे मॉनेस्ट्री है, जिसमें लगभग 7 स्थानों पर ये चिन्ह है। हिटलर की लोकप्रिय जीवनी लिखने वाले रॉबर्ट पाइनी के अनुसार हिटलर बचपन में अपने कमरे की खिड़की से और अपने स्कूल जाते हुए एक मॉनेस्ट्री में स्थित ये चिन्ह देखा करता था। पाइनी के अनुसार यही चिन्ह नाजी हैंकेन क्रूज का प्रेरणा सूत्र है। वैसे इस प्रेरणा के बारे में हिटलर ने कभी स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन क्रिश्चियनिटी का प्रभाव हिटलर के ऊपर बाल्यकाल से ही था और इस मॉनेस्ट्री से उसका संबंध इसी ओर संकेत करता है। एक क्रिश्चियन चर्च में इस चिन्ह का क्या अभिप्राय है और हिटलर ने इसे क्यों चुना, इन प्रश्नों के उत्तर एक ऐसी धुंध को हटाएंगे जिसके पार 20वीं सदी के सबसे बड़े विश्वासघात का शिलालेख लिखा गया। इतिहास को बदला गया, मानव शतरंज का वो खेल खेला गया जिसमें मोहरे केवल एक तरफा चल रहे थे। ये चाल भारत के असंख्य लोगों पर भविष्य में कठोर प्रश्न दागने वाली थी, जिनके उत्तर ढूंढने के लिए जानना पड़ेगा कि पश्चिम में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रारंभ कब हुआ। १८७१ में फेडरिक श्लाइमन को ट्रॉय के अवशेषों पर यह चिन्ह मिलता है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1871 में ही पहली बार अंग्रेजी भाषा में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रारंभ होता है। परंतु 1871 से पहले इस चिन्ह के लिए कौन सा शब्द प्रचलन में था? 1851 में ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, द परसुएंट ऑफ आर्म्स। इस पुस्तक में लिखा है कि ये चिन्ह फिलफॉट है, जिसे ग्रीक चर्चेस में कैमेडियन कहते हैं, और इससे मिलता जुलता एकमात्र चिन्ह क्रीट सभ्यता के पुराने सिक्कों पर मिलता है। इतना लोकप्रिय कोई और उदाहरण नहीं मिलता। क्रीट सभ्यता के सिक्कों के अलावा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। 1851 में लिखे गए इन शब्दों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां इस समय तक स्वास्तिक के बारे में कोई अधिक ज्ञान नहीं था, इसी कारण इतना लोकप्रिय उदाहरण कोई दूसरा नहीं मिला और संभवतः इसी कारण से पूरी पुस्तक में सिर्फ गैमेडियन शब्द का प्रयोग है। वही चर्च में प्रयुक्त किए गए फैब्रिक्स के ऊपर लिखी गई टेक्सटाइल फैब्रिक्स 1870 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कई बार जिक्र मिलता है गैमेडियन का, लेकिन सदैव उसका जिक्र जो है वो क्रॉस की तरह मिलता है, एक बार भी स्वस्तिक की तरह नहीं मिलता। गैमा, जो कि एक प्रकार का ग्रीक वर्ण है, ऐसे चार गैमा एक साथ जोड़कर गैमेडियन बन जाता है। इसका प्रयोग प्रारंभिक ईसाई समाज नरसंहार से बचने के लिए करता था, क्योंकि साधारण क्रॉस का प्रयोग उपद्रव को आमंत्रित कर सकता था। कारण था धर्मानुसार जनसंख्या का ईसाई पक्ष में ना होना, परंतु प्रारंभ में सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला ये चिन्ह स्वयं जीसस क्राइस्ट का प्रतीक कैसे बन गया? उत्तर आपके नेत्रों के समक्ष
एक और मसीहा लाकर खड़ा कर देगा। किसी भी भवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश होता है उसका कोने का पत्थर, अर्थात कॉर्नर स्टोन। अगर किसी कॉर्नर स्टोन को बाहर से देखा जाए तो उसका आकार ग्रीक लेटर गामा की भांति होता है, जिन्हें जोड़कर गामाइडियन बनता है। नेल्सन की डिक्शनरी ऑफ क्रिश्चियनिटी में बताया गया है कि गैमेडियन को जीसस क्राइस्ट के प्रतीक और कॉर्नरस्टोन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, परंतु गैमेडियन के कॉर्नरस्टोन होने का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वयं जीसस क्राइस्ट ईसाइयत के कॉर्नरस्टोन है। बाइबल की आइज़ाया 28:16 में स्वयं गॉड जीसस क्राइस्ट को लोगों के लिए एक कॉर्नर स्टोन बताते हैं। इसी प्रकार बाइबल के नए टेस्टामेंट के ऑफिशियंस 2:19-21 में पॉल कहता है कि तुम लोग अब परदेसी नहीं हो बल्कि ईश्वर के स्वयं के घर के सदस्य हो, जिसमें जीसस क्राइस्ट स्वयं कॉर्नर स्टोन है। बाइबल में लगभग 10 स्थानों पर जीसस क्राइस्ट को कॉर्नर स्टोन बोला गया है और गैमेडियन को भी कॉर्नर स्टोन बोला जाता रहा है। यही कारण है कि नेल्सन की डिक्शनरी ऑफ क्रिश्चियनिटी में गैमेडियन को जीसस क्राइस्ट का चिन्ह बताया जाता है और इसी कारण से गैमेडियन का ईसाइत में महत्व भी समझा जा सकता है। यह चिन्ह आज भी क्रिश्चियनिटी के महत्व में अनेकों स्थान पर छपा पड़ा है। आयरलैंड के क्लिफोनी में सेंट ब्रिगेड के 8वीं शताब्दी के पवित्र कुएं और क्रॉस स्लैब पर, 6वीं शताब्दी में इस्तांबुल में बनी हागिया सोफिया चर्च में, 10वीं शताब्दी में लिखी गई क्रिश्चियन पांडुलिपि एगबर्ट सॉल्टर के कवर पेज पर, नॉट्रे डैम के गॉथिक कैथेड्रल में या फिर लालीबेला में बनी मध्यकालीन चर्च में क्रॉस और हुक्ड क्रॉस को साथ साथ देखा जा सकता है। मेरोविंजियन डायनेस्टी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों पर कई प्रकार के क्रॉस थे, जिनमें से हुक्ड क्रॉस एक था। इटली में मिलने वाले 11वीं शताब्दी के क्रिश्चियन आर्किटेक्चर के ट्रांसेना पैनल्स हों या बॉस्निया में मिलने वाले 13वीं से 16वीं शताब्दी के ग्रेवस्टोन्स, हम इस चिन्ह को देख सकते हैं। इस चिन्ह का पौराणिक चर्चित या ईसाइत से जुड़े स्थानों पर पाया जाना बहुत सामान्य है, यहाँ तक कि वाटिकन सिटी में पोप के आधिकारिक निवास में फर्श पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। ईसाइयत और इस चिन्ह का क्या और कब से संबंध है, ये ब्रह्मज्ञान आवश्यक था, परंतु ये ज्ञान चिड़िया की उड़ान का आकलन नहीं कर सकता। क्या हिटलर स्वयं क्रिश्चियनिटी से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी राजनीति के लिए ईसाइयत से जुड़ा हुआ एक चिन्ह चुना? क्या हिटलर जीसस क्राइस्ट के अधूरे कार्यों को मंडित करने की शपथ धारण किए हुए था? इसका ज्ञान पाना आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझने जैसा कठिन नहीं। हिटलर के कुछ भाषण पेंडोरा के बक्से को खोल देंगे, जिनके आधार पर आप चिड़िया की उड़ान ही नहीं चिड़िया का गोत्र भी बता सकते हैं। अप्रैल 1922 को नाजी पार्टी के समाचार पत्र में हिटलर कहता है कि ज्यूज के विरुद्ध संघर्ष में वो जीसस क्राइस्ट के उदाहरण पर चल रहा है और यहूदियों के प्रतिकूल बोलने को क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कहना अनुचित है। इसी वर्ष 11 नवंबर को म्यूनिक के एक समाचार पत्र में हिटलर का साक्षात्कार छपता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे वो मार्क्सवाद के विरुद्ध लड़ रहा है जो कि यहूदियों से प्रभावित है और कैसे जीसस क्राइस्ट स्वयं एक जर्मन थे। मई 1923 में हिटलर एक आवासीय घर में की गई वार्ता के मध्य कहता है कि वो बर्लिन में उसी प्रकार प्रवेश करेगा जैसे जीसस क्राइस्ट ने यरूशलेम के मंदिर में किया था और साहूकारों को चाबुक से प्रताड़ित करता हुआ बाहर निकालेगा।
1926 के क्रिश्चियन कालीन भाषण में हिटलर कहता है कि यहूदियों के विरुद्ध उसका संघर्ष क्राइस्ट के उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए है जिन्हें वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए। अक्टूबर 1930 को म्यूनिक में दिए गए एक भाषण में हिटलर हैकिंग्टर्स को क्रिश्चियन ट्रेडिशन का हिस्सा बताते हुए कहता है कि हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि क्रिश्चियन क्रॉस ज्यूज मार्क्सवादी और बोल्शेविक ऊर्जा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। वो आगे कहता है कि अगर आज अचानक प्रभु जीसस क्राइस्ट जर्मनी के लोगों के सामने आ जाएं, तो वे भी नाजी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हिटलर अपने भाषणों में अपनी पार्टी के कार्यों को बाइबल के गॉड का दिया हुआ कार्य बताता था। दूसरी तरफ हिटलर अपनी पार्टी को एक रिलीजियस ऑर्डर या आप ये कह सकते हैं कि एक मजहबी हुक्म की तरह चलाना चाहता था। नवंबर 1944 को हिटलर एक चर्चा के मध्य यहूदी बनाम ईसाइयत पर लंबा भाषण देते हुए इस कल्पना को रौंद देता है कि जीसस क्राइस्ट स्वयं एक यहूदी थे, क्योंकि उसके अनुसार यहूदी धर्म पूंजीवाद का प्रतीक है और यहाँ जो भी जाता है वो दूषित हो जाता है। यह गूंज केवल हिटलर के भाषणों में नहीं थी, उसके राजनीतिक छप्पर में नस्ल भेद के छिद्र थे जो भरे नहीं जाते थे बल्कि प्रतिदिन बढ़ते थे और जिनसे वर्षा के स्थान पर लावा टपकता था। जीसस क्राइस्ट के जीवन पर बने एक लोकप्रिय पोस्टर में जॉन द बैप्टिस्ट उन्हें बैप्टाइज करते हुए दिख रहे हैं। वहां सूर्य आकाश से उनके ऊपर प्रकाश बरसा रहा है, आकाश में एक श्वेत कबूतर भी मंडरा रहा है। जीसस क्राइस्ट के जीवन पर बना हुआ एक यह अत्यंत लोकप्रिय पोस्टर। नाजी पार्टी 1935 में हिटलर का ऐसा ही पोस्टर प्रकाशित करती है। आसमान से प्रकाश बरस रहा होता है किंतु कबूतर का स्थान चील को और क्राइस्ट का स्थान हिटलर को दिया जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हिटलर क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध था, उसके कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं, परंतु ये हिटलर के राजनीतिक बहीखाते में से केवल ऋण वाले पृष्ठ चुनने जैसा है या फिर प्रोटेस्टेंट बनाम कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की गाथा। 1933 की जनगणना के अनुसार जर्मनी में लगभग 67% प्रोटेस्टेंट ईसाई थे और 33% रोमन कैथोलिक। एक राजनेता के लिए संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी पुस्तक माइन कॉम्फ में हिटलर कहता है कि कैथोलिक चर्च को जर्मनी की समस्या समझ में नहीं आती। उसका कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर कैथोलिक चर्च की केंद्रीयकृत संस्था नहीं है, निर्देश देने वाली संस्था नहीं है। इसका मतलब यही कहना चाहता है कि चूंकि कैथोलिक चर्च रोम से है और प्रोटेस्टेंट चर्च ही जर्मनी में है, इसलिए कैथोलिक चर्च जर्मनी की समस्या को नहीं समझ सकता। लोग इस प्रकार के उदाहरण देकर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हिटलर क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध था, किंतु सत्य कहीं मध्य में लटकता है, जहां हिटलर की जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी को लेकर कुछ मान्यताएं थी जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के विचार से भिन्न थी। उदाहरण के तौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को अस्वीकार करना क्योंकि इसे यहूदी भी मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को जर्मन कहना या पहला नाजी कहना, ये सब कैथोलिक चर्च की सोच से भिन्न था, परंतु क्या इसे क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कहा जा सकता है? उन्नीस सौ बीस में
हिटलर की नाजी पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर 25 पॉइंट्स ऑफ जर्मन रिलीजन को प्रकाशित किया गया था। इसके अंक 24 पर स्पष्ट लिखा है कि नाजी पार्टी क्रिश्चियनिटी पर टिकी हुई है। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इस वीडियो को ना देखते हुए मेरे जहन में जो है ना, जो हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस दिखाते हुए पॉडकास्ट की मैं बात करूं, तो मेरे जहन में जो है वो चल रहा था। वेल, स्वास्तिक को लेकर मैं बात करूंगी कि जितनी वैसे वीडियो जैसे स्टार्ट हुई और जो जैसे यूएसए में जो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मतलब मुझे इतना नहीं पता था उस न्यूज के बारे में, बट आई थिंक मुझे लगता है कि चीजें, क्योंकि लोगों को कभी क्लियर नहीं होती उनके बारे में, उनके पास जानकारी नहीं रहती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती है लोगों के बीच में। अभी जैसे अगर हम लोग सनातन धर्म में बात करें तो स्वास्तिक बहुत टाइम से, और सनातन धर्म इतना पुराना है, इतना पुराना है, और मतलब अगर देखा जाए तो आपको पता ही नहीं है कि स्टेट से स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सा अगर लॉजिकल हम लोग सोचें तो स्वास्तिक का इस्तेमाल जो है वो उसमें किया जाता है कि जब कुछ बहुत अच्छा होता है, समथिंग वेरी ऑस्पिशियस, या जो कि कुछ आप कह लेंगे बहुत ज्यादा एक खुशी की चीज होती है, उससे रिलेटेड इसको जोड़ा जाता है। तो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे किस तरीके से उसको डिफरेंट रिलीजन में भी यूज किया गया, ये मेरे लिए एक नई चीज है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्रिश्चियनिटी में भी स्वास्तिक को, खैर वर्ड तो बाद में इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये कि वो जो सिंबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यार मैं अगर बात करूँ ना, तो ये देखे मुझे जो जो है ना दी रणवीर शो, उसमें जो है ना अभी चावड़ा सर के साथ जब जो है डिस्कशन की हो रही थी, मेरे दिन में वो चल रहा था कि जिस तरह यहाँ से लोग माइग्रेट करते गए, तो नो डाउट अपने साथ वो काफी सारी चीजें लेकर गए, कुछ नॉलेज, कुछ सिंबल्स जो है उन्होंने जाके दूसरी जो है सिविलाइजेशन में यूज किए होंगे, जैसे ट्रॉय का बीच में जिक्र किया गया जो की बहुत एंशियंट सिटी माना जाता है। तो अगर उसकी बात की तो उसके भी जो पत्थर हैं या चीजें जो वहां पे मिली, वहां पे भी स्वास्तिक के निशान मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना उस टाइम पे कहीं पर जो है ना यहां से जो है इनकी सिंबल निकला होगा, लेकिन जो है हर सिविलाइजेशन ने, हर कंट्री ने उसे अपने मुताबिक जो है वो इस्तेमाल किया। और बीच में जैसे गमेडियन वर्ड का जिक्र किया गया कि जिस तरीके से पहले ऐसा सिंबल जिसको उसकी अपनी बड़ी एक इंपॉर्टेंस थी क्रिश्चियनिटी में, तो जहां तक मुझे भी समझ में आ रहा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बिल्कुल एंड तक नहीं देखी, तो जितना भी हिस्सा हमने इस वीडियो का देखा है, तो मुझे तो एक ही चीज समझ आ रही है कि जब आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो आपका अपना ही एक थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है, जो कि आप ये चाहते हैं कि लोगों पर आप वही चीज अप्लाई करें और लोगों से वही चीज इंप्लीमेंट करवाएं जो आप सोच रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को एक सुप्रीम पावर समझना शुरू हो जाते हैं, जहां तक मुझे लगता है हिटलर को देख। यार मैंने वैसे हिटलर के बारे में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जो मैंने चीजें उसके बारे में सुनी है कि काफी ज्यादा जो है वो था क्या नाम थे, बुरा इन द सेंस, बुरा कह लेंगे, बहुत सारे जो है यहूदियों को मरवा दिया था अपनी जो एक दौरे हुकूमत थी। लेकिन जो है जिस तरह से उसने वो काम करवाया, यानी कि अभी हमने वीडियो देखा है, तो अब मुझे ये चीज क्लियर हो गया कि लोगों को किस तरह उसने कन्विंस किया, यानी कि अब देखें मजहब का उसने वहां पर इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद अपने आप को ही भाई उसने जो है खुदा सुप्रीम पावर कहते हैं ना। देखो मैं ये चीज तो कह रही हूँ कि और अभी देखे ना, हमें अभी तक ये चीजें ना नजर आती हैं रिपीट होते हुए, बिल्कुल, कि लोग किस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करके अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अगेन बात ये कि हम लोगों को जानकारी नहीं रहती चीजों की, जितनी फुटेज मुझे लगता है आज मैंने हिटलर की देखी है ना, डिफरेंट इस वीडियो में, मैंने इससे पहले कभी नहीं इतनी ज्यादा देखी, जो उसके भाषण है मैंने वो भी कभी नहीं सुने, लेकिन जिस तरीके का उसका एक सोचने का तरीका और नजरिया था, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो चीज लगती है ना समझने की, कि आज के लोगों को भी वो चीज समझनी चाहिए कि जैसे इसमें यहूदियों को वो बहुत बुरा समझता था, और वो इतना ज्यादा उनसे हम कहेंगे उसके दिल में एक मैल था उनको लेकर, कि वो उनकी एग्जिस्टेंस को ही पसंद नहीं करता था, और वहां से उसने मैनिपुलेट करना शुरू किया चीजों को, उसने अपने रिलीजन को यूज करके और लोगों को फिर एक हम कहेंगे कि उनकी सोच को तब्दील करना शुरू किया, और लोगों के बीच में एक नफरत वाली चीज जो है वो उसने पैदा कर दी। तो मुझे लगता है कि अब के लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये सारे जो हालात और वाकयात है वो आज के टाइम से रिलेट कर पा रही हूं। मैं अक्सर ईमानदारी से जो है इस टॉपिक पे कभी कभी बात होती है ना, तो मैंने कहता हूँ, मैंने जितना भी यानी कि हिस्ट्री में पढ़ा है ना, यानी कि बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है
किसी भी इंसान का जो है ना, जब एक दौरे हुकूमत खत्म हुआ है ना, वो इस वजह से नहीं हुआ कि वो अपने आप को खुदा समझ बैठा, वो हमेशा जो है तब खत्म हुआ है जब उसका अपने लोगों पर जो है ना जुल्म ज्यादतियां जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, तब उसे जो है जवाल देखने को मिला है। ये मैं कई बार चीजें जो है मैं शायद वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और जो है यहाँ पर अगर हिटलर की भी कहानी देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में कम ज्यादतियां नहीं की, उन्हें बहुत ज्यादा चीजों को जो है मैनिपुलेट किया, बहुत ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। इवन कि अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जिस तरह जो है वो पूरी किया गया, इनके वर्ल्ड वॉर में जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया वो भी एक खुली किताब की तरह, हर बंदा जानता किस तरह जो है मासूम लोगों को भर्ती करके जो है भेजा गया कि जाओ लड़ो। अच्छा, और एक चीज मैं और सोच रही थी कि स्वास्तिक का जैसे इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में भी किया गया। ऑनेस्टली बोलूं, मैं हमेशा काफी ज्यादा बात करती हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ना इस चीज को लेकर थोड़ा वो मजाक बनाते हैं, बट मैं क्योंकि इन चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, इवन कि अगर मैं इस्लाम में भी देखूं या मैं अभी क्रिश्चियनिटी में जैसे देख रही हूँ, कुछ ना कुछ चीज आपको ऐसी रिलेटेबल मिलती है जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में इस चीज को लेकर हाँ सीरियस नहीं होते, बट ये मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं कि कहीं ना कहीं पर कनेक्शन जो है वो मिलता है, कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिस सब करते हैं। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि लोगों ने विद टाइम बहुत चेंजेस कर दी, नाम चेंज कर दिए हुए, किसी को किसी चीज के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है। अभी जैसे स्वास्तिक का वर्ड जो है वो बाद में इस्तेमाल किया गया डिक्शनरी में, फिर अगर उससे पहले देखा जाए क्रिश्चियनिटी में काफी जगहों पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां पर उसका जो महत्व था वो डिफरेंट था, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लिहाज से सेक्रेड ही उसको माना जाता था। फिर जब उसने, जब हिटलर ने उसका गलत इस्तेमाल किया तो बाद वाली जो दुनिया है उसने उसको एक नेगेटिव सिंबल की तरह जोड़ दिया, क्योंकि इस बंदे ने बहुत सारे इंसानियत का एक मतलब कत्ल किया है, लोगों के साथ बहुत गलत किया है, तो लोग अब उसको पसंद नहीं करते उस तरीके से। यार मैं अगर बात करूँ ना, ये जो क्या नाम लेते हैं टाइम था, ये इस तरह का टाइम था कि तब आपको चीजों का इतना वो असेस नहीं था होता, लेकिन अगर अब आके देखें ना, अब लोगों को उन चीजों में बहुत ज्यादा असेस है, लोग जो उस टाइम पे चीजें होती रही उनके बारे में एक अच्छे तरीके से जानते हैं। और जहां तक सिंबल्स की बात करते हैं तो अभी भी हम बहुत सारे घर, यानी कि आप अंदरून लाहौर में चले जाएं या आप ऐसे जो प्री पार्टीशन यहाँ पर गाँव है और वो घर अभी तक बने हुए हैं, उन पर आपको स्वास्तिक का सिंबल, ओम का सिंबल जो है वो आपको नजर आता है और वो अभी तक है वहां पर। और पता है, ये देखो ये सिंबल सिर्फ सिंबल्स नहीं है, इनके मीनिंग है, तो वो चीजें लोगों तक पहुंचानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही चीजें जब जैसे ये एक हम लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आनी चाहिए जो कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। अब मैं जहां पर मैंने चीज छोड़ी थी कि लोग अब जो है वो उसको गलत सिंबल के साथ या उसको एक हेट सिंबल अगर हम लोग कह लें तो उसके साथ उन्होंने अपने इमोशंस इसको जोड़ दिए, बट ये कि स्वास्तिक का जो मतलब था, जो कि हम देखें कि काफी टाइम से सनातन धर्म में हमेशा से चलता आ रहा है, लोग उससे उनकी बिल्कुल भी फेमिलरिटी नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे कि लोग कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो आई थिंक ये चीजें सारी क्लियर। यार मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़े अरसे पहले की बात है, मैं वैसे ही नेट पर सर्च कर रहा था तो मेरे सामने चीज आई थी, मुझे उस मुल्क का नाम भूल गया, पता नहीं जर्मनी था या कोई और मुल्क था, कि वहां पे लोग पता क्या करते थे एक टाइम पे, कि किसी से बदला लेना होता था ना तो एक स्पेसिफिक साइन होता था, वो उनके दरवाजे पे बना देते थे, तो वहां के वो जो लोग थे ना जो उस साइन के खिलाफ होते थे वो खुद ही मार देते थे उन्हें। इस तरह की भी जो है मुझे अब वो भूल गया हुआ है, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले ये चीज जो है वो देखी थी। अब मैं फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में सारी स्टोरी स्वास्थ्य की ही चल रही है कि लोगों ने, हमारे लोगों ने यहाँ पर पहले क्यों नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने इसके बारे में स्टैंड लिया। तो मैं अगर देखा जाए तो जब ब्रिटेन ने रूल किया है तो उसके बाद उन लोगों ने तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक कर दिया हुआ कि आपको एक और ही डिफरेंट फेज में चले गए, आपको कहते ना कि एहसास कमतरी का शिकार करते कि आप तो थोड़े सुपीरियर नहीं है, आप लोग इन्फीरियर लोग हो, तो
जब वो चीजें काफी देर तक देखते रहे और अब आकर मुझे लगता है कि शायद लोगों को ना इस चीज का एहसास हो रहा है कि हम लोगों को ये चीजें दोबारा से लोगों को बतानी चाहिए और अवेयर करना चाहिए। बट खैर मुझे जहां तक टोटल समझ में आ रहा है ना, मैं वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये कि अब लोगों को वाकई में समझ जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि इन चीजों का बहुत गलत गलत इस्तेमाल किया गया, कभी किसी के खिलाफ कर देना, कभी किसी के खिलाफ कर देना, क्योंकि देखो हर किसी का ना अपना एक, मुझे लगता है कि अपने कल्चर की, रिलीजन की, फेथ की इंपॉर्टेंस होती है। तो मुझे लगता है कि आपको बीच में कभी भी हेट जो है वो नहीं लेकर आना चाहिए। बट सीरियसली मैं जब जितना ये हिस्ट्री के पन्ने पढ़ती जा रही हूँ ना, मेरा दिमाग खुलता जा रहा है कि लोग कितने सेल्फिश हुआ करते थे कि सिर्फ अपनी पावर की ग्रीड के चक्कर में इतने लोगों का बुरा कर दिया करते थे। वेल एनीवे, कल हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, इसका कंक्लूजन देखेंगे कि क्या है, और मजीद जानकारी हम लोग को देखने को मिलेगी। आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर बताइएगा, और अगर कहीं आपको लगता है कि हम स्वास्तिक का मतलब सही नहीं समझ पाए तो वो भी हम लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।